अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ना जैसे बारिश हुई है तो अभी भी बारिश वाला मौसम हुआ है, सारी बारिश हुई है तो जिसकी वजह से हर तरफ पानी पानी हो गया। दाना पानी वगैरह मैं काट रहा था तो मैंने कहा चलो आज ना मैं आपको ना इस दाना पानी की भी वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे भी बारिश हो या जो भी है ना, आपने अपना दाना जो है ना रेगुलर बेसिस पे ना चेंज करते रहना है, क्योंकि ना जब आप दाना या पानी वगैरह वाली साइड को चेंज नहीं ना करते तो पानी के नीचे ना उल्ली या कैट ऐप लग जाती है, जिसकी वजह से ना पानी ख़राब या स्मेल वगैरह आने लग जाती है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि दाना पानी जो भी चीज़ इनकी रखनी है ना, आपने रेगुलर बेस पे चेंज वगैरह करते रहना है। अभी ये देखें, अभी कीचड़ वगैरह भी अंदर सारा पड़ गया था, वो भी सारा साफ़ किया है। अभी एक भीड़ आ गया, ये साथ हेल्प करवा रहा है मेरी। तो बाकी स्टिक का भी मैंने कहा है, कोशिश करनी है आज जाके मैंने इनके लिए स्टिक वगैरह लेकर आनी है, जो मर्जी हो जाए। काफ़ी तेज़ बारिश हुई है जिसकी वजह से हुआ है। ये हमारी साहब मुर्गी साहब भी आ गई है साथ हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसका खाना आ गया ना इसलिए। तो इसके लिए मैंने कूची वगैरह रखी हुई है। कबीर, इसको ना कूची के साथ साफ करी, नहीं तो ना वो कैट ऐप नहीं होती नीचे, वो लगी रहती है तो फ़ायदा कोई नहीं होता फिर। तो जिसकी वजह से समझ लें कि हमारे जो उनसे परिंदे वगैरह भी हैं ना, वो भी बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप यहीं से हिसाब लगा लें, जैसे ही मौसम हमारा ये ना सर्दियों वाला स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके बारे में भी बताऊंगा कि पानी कब कैसे चेंज करना है आपने, दाना पानी और कैसे इनको कवर करना है। टोटली वीडियो उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, उसमें शेयर वगैरह करूँगा। आपका दाना भी जो सा है, ये आप देख सकते हैं सीड मिक्स वगैरह है, तोतों का स्पेशल दाना होता है ये रखा हुआ है। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह मैं साथ अटैच कर देता हूँ, उससे ये बेनिफिट होता है कि इनकी खुराक वगैरह भी अच्छी रहती है, ये सही रहता है। मेरा ये केज उनसे है ना, मेरे केज का यही मसला ये है बाहर, तो इसमें जब बारिश होती है तो पानी वगैरह हल्का फुल्का सा खड़ा हो जाता है। नीचे जो उनकी मैंने रखी हुई है ना, इसके नीचे है ना स्टिक्स, लो वो ही लगा के ना फ्रेम के नीचे वो ही रखा हुआ है, जिसके साथ ना मैं भी अगर अंदर जाता हूँ ना तो वो ये होता है वो वेट मेरा ना बर्दाश्त कर लेती है, अभी गेन कर लेती है, जिसकी वजह से कोई मसला नहीं होता। अभी ये जैसे आप देख रहे हो, ये दाने में भी पानी चला गया है तो दाना भी ख़राब हो जाता है। फिर कोशिश मैं यही करता हूँ कि वो दाना ना ही दूँ तो बेहतर है। ये भी दाना संभाल लें आप, ये मुर्गियाँ वगैरह खाएंगी, ये मेरी दाने की बाल्टी है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब ये दाना चेंज किया है ना मैंने, ये दाना बहुत सही है, वो जिस बंदे से मैं लेकर आता था ना उस बंदे से नहीं लिया, अब दूसरे में एक बंदा रखा हुआ है उसी बंदे से मैंने दाना लिया अपना ये वाला। अभी ये मैंने नीचे रखे ही है, ये कबीर रख रहा है, तो साथ ही इन्होंने आना आ जाना नीचे से खाने वगैरह। ये आपको पहले भी मैंने बताया था, ये तकरीबन हैंड टेम है, बस कोशिश मेरी यही है पेयरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस ये है इस पर हार्ड वर्किंग कर लूँ कि इनकी खुराक वगैरह भी अच्छी रखनी है, जितनी मैं इनकी खुराक अच्छी रखूँगा ना उतना भी मेरे लिए ना बेनिफिट है। तो अब जैसे ही सीज़न थोड़ा सा ये स्टार्ट होता है ना सितंबर में, इंशाल्लाह ताला इनके दाने का प्रोटीन वाला दाना टोटली बनाना है मैंने, क्योंकि जिसको ये खाएं तो मैं कहता हूँ जो सा 6 महीनों का प्रोसेस होगा वो 2-3 महीनों में इंशाल्लाह रिकवर वगैरह हो जाएगा। तो कहने का मकसद यही है कि आपने डेली बाई डेली इनके जो उनसे भी है दाना पानी वगैरह के बर्तन साफ़ करने हैं, ये नहीं करना कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, आपने अपने समझ बच्चों की तरह इनकी केयर करनी है जैसे हम कर रहे हैं। ये भी आपके सामने है, नीचे बैठ के नीचे गई है, नीचे से जाके अब दाना खाने लग गई है। तो अब ऐसे ही है, अब ये भी साहब नर्स साहब भी इसे चल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं जैसे ये आइस बॉल को अपने कर रहे हैं ना, ये करने का मकसद यही है कि अब बड़ा में या एडल्ट पीस में आ रहा है, अभी इसकी 2.5 साल उम्र है तो इंशाल्लाह ताला आसान से रिकवर होगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि जैसे मैंने को प्रोटीन वगैरह करवाना है, इसके दाने वगैरह में मिक्स वगैरह करना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसका बेसिकली यही मकसद होगा कि जल्दी से जल्दी ये ब्लीड की तरफ आएंगे, ब्लीड गेन वगैरह करेंगे। बाकी कॉकटेल वगैरह का भी यही प्रोसीजर है। इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ना इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि उसमें से चिक्स निकले हैं या नहीं। अभी तक मैं खुद भी नहीं किया तो ना मैं किसी के को अंदर के जाने दी है उनके, तो मेरी कोशिश यही है कि आपको ही मैं सबसे पहले दिखाऊँगा जो भी होगा, बच्चे निकले हैं या नहीं निकले हैं।
तो उसके ऊपर ही प्रोसीजर है। तो इंशाल्लाह ताला आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।